क्या आप जानते हैं नवीन पटनायक भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता बन गए। बंगाल के दिवंगत कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ज्योति बासु को पीछे छोड़ते हुए पटनायक दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यकाल के 23 साल और 140 दिन पूरे कर लिए। नवीन पटनायक 76 साल के हैं। 1997 में नवीन पटनायक के पिता व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की मृत्यु के बाद उनके विरोधी ने उन्हें नौसिखिया कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन आज उन्होंने खुद को साबित कर दिया है। पटनायक को एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन भी कहा जाता है। दून स्कूल और सेंट स्टीफन से पढ़े लिखे पटनायक ने राजनीति की कला बहुत ही जल्दी सीख ली। उन्होंने पहली बार 1997 में अस्का से लोकसभा उपचुनाव लड़ा। यह सीट उनके पिता बीजू पटनायक की मृत्यु के बाद खाली हुई थी। भाजपा की मदद से पटनायक व अन्य लोग जनता दल से अलग हो गए और बीजू जनता दल का गठन किया। ये नाम उनके पिता के नाम पर रखा गया। अगले साल लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने भाजपा से गठबंधन कर लिया। पटनायक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस्पात और खान मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने। बाद में यानी 1999 में उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1999 में महाचक्रवात आया था। इसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और तटीय उड़ीसा के अधिकांश हिस्से तबाह हो गए थे। इसके बाद से उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगर यह तबाही नहीं आई होती तो शायद पटनायक अभी केंद्रीय मंत्री ही बने रहते। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधारी गबांग ने ओडिशा के लोगों का हाथ छोड़ दिया। उन्होंने उस वक्त पे हाथ छोड़ा था जब लाखों उड़िया लोग चक्रवात के कारण अपना घर और चूल्हा गवा चुके थे, भोजन और आश्रय की तलाश में थे। जिसके बाद से नवीन पटनायक सामने आए और उन्होंने लोगों की मदद की। साल 2000 में नवीन पटनायक ने अपना पद संभाला, जिसके बाद से ही बीजेपी ने नवीन पटनायक को पद से हटाने के लिए कई प्रयास किए मगर असफल रही। कई लोक लुभावन पहलों, मजबूत और अच्छी तरीके से स्थापित पार्टी कैडर के कारण उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई और आज नवीन पटनायक भारत के दूसरे सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में से एक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।